हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दावत ऑफ इंडिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिंगड़ी माछेर मलाई कारी। उसके लिए हमें चाहिए 3 सूखी लाल मिर्च, 3 दालचीनी, 4 लौंग, 4 छोटी इलायची, 3 तेज़पत्ता, सरसों का तेल, बंगाली गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक, चीनी 1.5 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1.25 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, घी लिया हुआ है मैंने यहाँ पे 15 ग्राम, मैंने यहाँ पे पीसा हुआ प्याज लिया है 200 ग्राम, 7 से 8 हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट लिया हुआ है मैंने 25 ग्राम, दही लिया है मैंने यहाँ पे 60 ग्राम फेटा हुआ, मैंने यहाँ पे नारियल का दूध लिया है पहली बार से जो निकलता है वो 300 ग्राम लिया हुआ है, और दूसरी बार जो निकलता है वो मैंने 250 ग्राम लिया हुआ है। मैंने यहाँ पे 1 किलो बड़ी प्रॉन लिया, प्रॉन के जो पैर है उसे काट लीजिए। यहाँ पे जो बड़े सूर जो टेंटिकल्स होते हैं सारे मैंने काट लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे सीजर से काटा हुआ है। मैंने यहाँ पे पूंछ को भी थोड़ा सा छोटा कर लिया, मेरा साइज बहुत बड़ा है। मुंह के सामने जो मोटा सा सूंड है उसे भी मैं काट ले रही हूँ, आंखें को मैंने काट लिया हुआ है। फिर मुंह के सामने ट्रायंगल शेप में मैं काट लूंगी। फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट या टूथपिक से वैसे मैल निकाल लूंगी। जो पीठ का एक ब्लैक धागा सा होता है उसे निकाल लूँगी, वरना उसे खाने से पेट दर्द होता है। फिर अच्छे से धो के उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी ले लूँगी और उसको अच्छे से कोट कर लूँगी। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून हल्दी लिया हुआ है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया हुआ है। एक पैन को गरम करके उसमें 1 कप सरसों का तेल डाल लिया मैंने और उसे स्मोक होने के लिए रख दिया है। जब स्मोक हो जाए तब उसमें
मछली को फ्राई कर लीजिए। हर एक साइड को 45 सेकंड तक फ्राई कर लीजिए। दोनों साइड अच्छे से फ्राई होने के बाद उसको हटा लीजिए। अब उसी तेल में 15 ग्राम घी डाल लीजिए। घी और तेल गर्म होने के बाद उसमें डाल लीजिए 3 सूखी लाल मिर्च, 3 तेज पत्ता, 3 दालचीनी, 4 छोटी इलायची, 4 लवंग, जब क्रैकल हो जाए फिर उसमें डाल लीजिए प्याज। मैंने यहाँ पे आंच को धीमी कर लिया हुआ है। फिर अच्छे से भून लूंगी 2 से 3 मिनट तक। एक छोटे से बोल में मैंने यहाँ पे कोकोनट मिल्क के अंदर कश्मीरी लाल मिर्च भिगो लिया है और थोड़ा सा उसमें हल्दी पाउडर ऐड कर लूंगी और उसको अच्छे से मिला लूंगी। प्याज जैसे अच्छे से भून जाने के बाद उसमें हम अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और उसको अच्छे से भून लेंगे। फिर 2-3 मिनट बाद उसमें हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट डाल लेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। फिर उसको अच्छे से मिला लेंगे। फिर 2-3 मिनट भून जाने के बाद उसमें मैंने यहाँ पे फेटा हुआ दही ऐड कर लिया है। उसे लो फ्लेम में ही पकाएंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे। 2 से 3 मिनट भुन जाने के बाद अब मैंने यहाँ पे चीनी ऐड किया हुआ है। जब तेल निकल जाए फिर मैंने यहाँ पे कोकोनट मिल्क ऐड किया हुआ है। जो फर्स्ट वाला निकलता है वो ठीक वाला, फिर अच्छे से मिला लेंगी। उबाल आने के लिए मैंने रख दूंगी यहाँ पे। उबल जाने के बाद उसमें मैंने यहाँ पे 6 हरी मिर्चें ऐड किया हुआ है जो बीच से स्लिट किया हुआ है। दूसरी बात जो निकलता है दूध वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है, थिन वाला दूध, और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने मछली को यहाँ पे ऐड कर लिया हुआ है।
बातों को प्राय हो चे आछे कालो चातो को प्राय हो फ्राई किया है, जो जूस निकलता है वो मैं डाल लूंगी। फिर मैं इसे ढक के रख दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट स्लो कुक करके फिर मैं इसमें ऐड करूंगी बंगाली गरम मसाला पाउडर और उसको अच्छे से मिला लूंगी। दो मिनट के बाद गैस बंद करके इसे गर्मा गर्म सर्व करूंगी। इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। Hope you guys enjoy this video. Do like, share, comment and subscribe my channel, The Path of India. Thank you.